बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों CS 202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो आई हुई है, जिसकी ड्यू डेट जो है वो 10 जून 2021 है। दोस्तों मेरी वीडियोस 100% जो है वो करेक्ट होती हैं और आपको इतने इजी वे के साथ मैं समझाता हूँ, इसके बावजूद फिर भी स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में कह रहे होते हैं सर जी इस चीज़ की समझ नहीं है, इस चीज़ की समझ नहीं आई। और बहुत से यूट्यूबर जो क्लेम कर रहे होते हैं कि जनाब अदर जो है वीडियोज़ जो बहुत रॉन्ग हैं, हमारी वीडियो ठीक है। मेरे भाई, किसी के ऊपर क्लेम करने से पहले इतना ज़रूर सोच लो कि तुम्हें वो चीज़ आती भी है कि नहीं जिसके ऊपर तुम क्लेम कर रहे हो, ठीक है। मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत से यूट्यूबर जो हैं वो इस बात का अपनी वीडियो के अंदर इकरार करते हैं कि जी जनाब अदर जो वीडियोज़ हैं वो सारी रॉन्ग हैं, हमारी वीडियो भी सिर्फ सही है। लेकिन मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे साथ वेब डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग के अंदर आके मेरे साथ मुकाबला कर लें। मैं देखता हूँ किसको प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट सही आती है। जितने यूट्यूबर्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट सिर्फ अपलोड करते हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। अदर जो यूट्यूबर्स हैं जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सिर्फ असाइनमेंट सॉल्व करते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर इतना तुम्हें मान है ना कि तुम्हारी जनाब असाइनमेंट 100% ठीक होती है, तो आ जाओ मेरे साथ मुकाबला कर लो। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ले आओ और साथ वेब डेवलपमेंट को ले आओ, देख लेते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा कंसेप्ट आते हैं, क्लियर। लेकिन ये बात करना बिल्कुल गलत है कि आप अपनी वीडियो के अंदर कहते हो जी मेरी वीडियो 100% ठीक है लेकिन बाकी सारों की वीडियो गलत है। ये गलत बात है, आपकी वीडियो अपनी जगह ठीक होगी लेकिन किसी के वीडियो को गलत कहना यूट्यूब के ऊपर ठीक काम नहीं है। अपने सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ ये बताने वाला हूँ कि किस चीज़ को आपने यहाँ पर मद्देनज़र रखना है, और आपको बखूबी पता कि मैं अपनी हर असाइनमेंट के अंदर डिटेल के साथ चीज़ बताता हूँ अगर मेरे पास ये फाइल अवेलेबल हो। अभी भी ये फाइल मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, मैंने स्पेशल जो है ये फाइल मंगवाई है सिर्फ आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। सबसे पहले इस असाइनमेंट में कहा गया दिस असाइनमेंट सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, कि इस असाइनमेंट को ड्यू डेट के बाद सबमिट नहीं करवाना। अगर आपकी फाइल जो है ओपन की जाती है और वो करप्ट होती है, फिर भी आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, आपने फाइल जो है वो किसी और से कॉपी नहीं करनी। अब जरा गौर से पढ़ लें इंस्ट्रक्शन क्या लिखी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव टू अपलोड .html फाइल। आपने अपना जो सोल्यूशन है भाई मेरे भाई वो .html फॉर्मेट की फाइल में सबमिट करवाना है, इसके अलावा कोई फाइल जो है वो सबमिट नहीं करवानी, सिर्फ एक ही फाइल सबमिट करवानी है .html फॉर्मेट की। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव कवर करने थे आपने वो थे कि आपने सिर्फ ये टू लर्न एंड प्रैक्टिस द बेसिक HTML टैग, कि आपको इस असाइनमेंट देने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप ऑब्जेक्टिव आप लर्न कर सकें, आप सीख सकें बेसिक HTML टैग्स, प्रैक्टिस ऑफ CSS एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज़, कि आप सीख सकें CSS की बेसिक प्रॉपर्टीज़ एंड एट्रीब्यूट्स को, CSS प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड, स्टाइलिंग, इनपुट एलिमेंट्स, पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में कवर करनी थी। नोट द असाइनमेंट इज़ अ ग्रेडेड असाइनमेंट, द असाइनमेंट सबमिट थ्रू ईमेल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक ओके। तो ये सारी चीज़ें तो हम बाद में देख ही लेंगे, ये आप खुद भी पढ़ सकती हैं ओके। गाइडलाइंस के अंदर उन्होंने जो चीज़ कही है वो आप उन्होंने कहा जी आपने सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, आप नेट बीन्स यूज़ कर सकते हैं, आप अडोब ड्रीमवीवर यूज़ कर सकते हैं या आप नोट पैड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल किया। You will not use any other software to make .html file, यानी जो आपने HTML का कोड करना है और JavaScript का कोड करना है उसके लिए आपकी जो फाइल है वो इन सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ रन करनी चाहिए, इनके अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो मैंने सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया है। नीचे चलते हैं और देखते हैं असाइनमेंट क्या है। दोस्तों असाइनमेंट के अंदर बेसिकली कहा गया है कि आपने ये एक डिज़ाइन तैयार करना है, ये जो आपको सैम्पल वेब पेज दिखाया गया है, यानी आपने सबसे पहले ये एक बैकग्राउंड इमेज लगानी जो कि आपको जो फाइल मिली है उस यानी जिप फोल्डर के अंदर उसके अंदर बैकग्राउंड इमेज भी पड़ी हुई है और ये जो व्यू का लोगो है ये भी पड़ा होगा। लेकिन दोस्तों मुझे जिस बंदे ने ये असाइनमेंट सेंड किया उसने मुझे जिप फोल्डर में सेंड नहीं किया, इसलिए मेरे पास ये बैकग्राउंड इमेज तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने ये जो व्यू के लोगो था ये मैंने इंटरनेट से उठा लिया। अब आप लोगों ने जब आपको मैं सोल्यूशन पर फाइल प्रोवाइड करूँगा तो उसमें बैकग्राउंड के ऊपर आपने ये वाली इमेज जो है अटैच कर लेनी है अपनी। अब वो इमेज कैसे अटैच करनी है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन आपने ये जो बैकग्राउंड इमेज है ये आपके पास एग्जिस्ट करती होगी, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने कोई और बैकग्राउंड इमेज लगा लिया। उसके बाद ऊपर एक हेडिंग लगानी थी, फिर ये वन बाय वन हम देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा जावास्क्रिप्ट का कोड भी आपने ऐड करना था, क्लियर ओके जी। यहाँ पर आप जरा गौर से चीज़ें पढ़ लें, सर ने ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताई हुई हैं ओके। मैंने इन तमाम चीज़ों को फॉलो किया। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और वन बाय वन सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ये फॉर्म बनाना था, इस फॉर्म के ऊपर सबसे पहले देखें बैकग्राउंड इमेज लगानी थी, तो ये देखें बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है
ये बैकग्राउंड इमेज मैंने लगाई है इंटरनेट से उठा के। आपने इस जगह पे बैकग्राउंड इमेज की जगह पे अपनी बैकग्राउंड इमेज लगानी है जो सर ने आपको दी हुई है, प्रोवाइड की हुई है फाइल के अंदर। चलता हूँ और दिखाता हूँ कहाँ पे आपने ये बैकग्राउंड इमेज का लगा सकते हैं, सिर्फ चेंज आपने कहाँ पे करना है। दोस्तों आपने यहाँ पे लाइन नंबर थर्टीन पे आना, जहाँ पे लाइन नंबर 13 पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड और आगे लिखा हुआ है URL, आपने इसमें चेंज नहीं करना। आपने ये जो सिंगल कोड के अंदर bg.jpg लिखा हुआ ना, इसको आपने चेंज करना। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आपने ये देखें यहाँ पे सिंपल, ये देखें लाइन नंबर 13 के ऊपर, चलिए मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ, दिस लाइन इज चेंज। यहाँ ऐसे कर लें लाइन चेंज, ठीक, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्लियर। इतना मैं यहाँ पे इसे कमेंट कर देता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं जी, कमेंट कर दिया इसको मैंने, ठीक है, लाइन चेंज। चले मैंने आपकी आसानी के लिए ये लिख भी दिया है कि यहाँ पे आपने चेंज करना है। आप चेंज इस पूरी लाइन के अंदर नहीं करना, सिर्फ इस जगह पे करना है, ये जहाँ पे सिंगल कोड के अंदर bg.jpg लिखा बना, इस जगह पे आपने अपनी उस जो सर ने आपको इमेज प्रोवाइड किया उस इमेज का जो भी नाम होगा वो नाम दे के आगे डॉट लगा के आगे जो भी उसकी एक्सटेंशन होगी वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। अब एक्सटेंशन कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करें तो नीचे एक प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन आती है, उस प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन के अंदर जाएँ तो वहाँ पर आपको इमेज का नाम और उसकी एक्सटेंशन नज़र आ रही होती है डॉट के आगे, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, क्लियर। तो इस लाइन पे आपने चेंज करना, तो आपकी बैकग्राउंड इमेज जो है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है जी, ये एक हेडिंग लगी हुई है जिसका बैकग्राउंड मैंने दिया हुआ है, तो चलते हैं ये देखते हैं कहाँ पे लगा हुआ है। ये देखें सबसे पहले HTML पे जाते हैं और HTML का सारा कोड देखते हैं, बाद में CSS देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। ये देखें दोस्तों सबसे पहले ये H1 हेडिंग लगी हुई है, ठीक, जिसके अंदर सर ने क्या कहा था, क्या लिखना है आपने, असाइनमेंट नंबर 2। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये पहले H1 हेडिंग है जिसके अंदर असाइनमेंट 2 लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों क्या था, उसके बाद एक व्यू का लोगो लगा हुआ है, तो ये देखें ये मैंने एक इमेज टैग लिया हुआ है और इस इमेज टैग के अंदर मैंने व्यू का लोगो, view.jpg का लोगो जो है, आपके पास वो view.jpg लोगो होगा और आपने यहाँ पर पुट कर देना है। सोर्स के अंदर आके जब मैं आपको सोल्यूशन फाइल प्रोवाइड करूँगा ना, तो वहाँ पर आपने यहाँ पर इस जगह पर सोर्स पे, इस जगह पे या जहाँ पे SRC इमेज लगी हुई है लाइन नंबर 81 के ऊपर, इमेज SRC सोर्स के अंदर ये जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे आपने, वो सर ने जो लोगो आपको दिया होगा ना प्रोवाइड की होगी लोगो वाली इमेज, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, उसका नाम डॉट लगा के उसकी JPG, बस यहाँ पे समझ आ गई। एक यहाँ पे आपने चेंज करना है और एक ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर चेंज करना, जो आपको मैंने बताया, ओके। उसके बाद दोस्तों सर ने क्या कहा था, उसके बाद सर ने कहा जनाब आपने एक फॉर्म बनाना है, ये देखें एक फॉर्म बनाना है, तो ये देखें मैंने एक फॉर्म लिया हुआ है, ये मेरे पास एक फॉर्म है, ठीक है, ये इतना फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले एक लेबल लगी हुई है जिसके अंदर लिखा हुआ है view student ID, फिर एक इनपुट फील्ड है जिसके अंदर आप अपनी view ID देंगे, देन फिर एक लेबल लगा हुआ है जिसमें पासवर्ड देना है, देन एक इनपुट फील्ड लगी हुई है जिसमें आप क्या देंगे, अपना पासवर्ड देंगे। उसके बाद एक सबमिट का बटन है, ओके, जिसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है click here to view alert box। ये बेसिकली सर ने यहाँ पे इस सबमिट के बटन के ऊपर यही लिखा हुआ था, click here to view alert box, ये लिखा हुआ था, क्लियर, ओके। ये लिखने के बाद दोस्तों मैंने इस फॉर्म के ऊपर एक ऑन सबमिट नाम से एक एक्शन प्रोवाइड कर दिया। ये क्या करता है, ये बेसिकली जब भी हम फॉर्म सबमिट करेंगे ना, यानी इस सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो ऑन सबमिट, ये ऑन सबमिट बेसिकली क्या करता है, ये हमारा फॉर्म सबमिट कर देता है कहाँ पर, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के ऊपर। तो ये देखें मैंने कहा कि जो जावास्क्रिप्ट चेक नाम से जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है ना, वहाँ पर ये पूरे का पूरा जो है फॉर्म पुट कर दो। पुट होने के बाद यहाँ पे एक अलर्ट मैंने लगाया हुआ है, जो कि सर ने कहा था आपने एक अलर्ट लगाना है और अलर्ट के अंदर आपने अपना स्टूडेंट नेम बताना है। दोस्तों ये मैंने लिखा स्टूडेंट नेम और आगे आपने लिखा खिजर शाह टेक्निकल, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना, ठीक है। तो तीन चेंजिंग होगी, पहली चेंजिंग लाइन नंबर 13 के ऊपर आपने इस जगह पर सिंगल कोड के अंदर अपनी बैकग्राउंड इमेज का नाम देना है, आगे उसकी एक्सटेंशन। दूसरी चेंजिंग आपने क्या करनी है, दूसरी चेंजिंग आपने यहाँ पे लाइन नंबर 81 के ऊपर यहाँ पे जो इमेज लगी हुई है इसके अंदर SRC सोर्स के अंदर ये जो नाम लिखा हुआ है इमेज का और आगे उसकी एक्सटेंशन, यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है। उसके बाद आपने तीसरी चेंजिंग कहाँ पे करनी है, यहाँ पे अलर्ट बॉक्स के अंदर लाइन नंबर 94 के ऊपर अलर्ट बॉक्स के अंदर ये स्टूडेंट नेम और यहाँ पर अपना नेम आपने प्रोवाइड कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न ट्रू ऐसे लगा रहेगा, ओके। रिटर्न ट्रू का मतलब ये होता है कि ये फॉर्म सक्सेसफुली ट्रू हो गया, इसको वापस सबमिट कर दो, ओके, तो ये वापस सबमिट कर देगा। सबमिट होने के बाद दोस्तों उसके बाद हमने क्या कहा था, नेक्स्ट टाइम, उसके बाद ना यहाँ पे देखिए नीचे एक चेकबॉक्स लगा हुआ और उसके आगे लिखा हुआ है रिमेंबर मी, तो यहाँ पे देखिए मैंने वही किया, ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड थी चेकबॉक्स वाली, ठीक है, जिसने एक चेकबॉक्स क्रिएट किया और उसके आगे लिखा हुआ है रिमेंबर मी। उसके बाद सर ने कहा था आपने क्या करना है,
नेक्स्ट लाइन के अंदर जाके आपने एक बटन बनाना है कैंसिल नाम से और एक टेक्स्ट लिखना है फॉरगोट पासवर्ड के नाम से। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पैराग्राफ लिया, ठीक है, और उस पैराग्राफ के अंदर मैंने पहले एक एंकर के टैग के साथ एक बटन लिया, ठीक है, उस बटन के बाद मैंने एक स्पैन का टैग लिया, ठीक, और उस स्पैन के टैग के अंदर मैंने पासवर्ड मैंने क्या किया फॉरगेट लिखा सिंपल, और आगे पासवर्ड को मैंने एक एंकर के टैग के अंदर बंद कर दिया ताकि उसको उसके ऊपर जैसे हम क्लिक करें तो एक एंकर का टैग चल जाए। इस स्पैन के टैग की चाहे हमें ज़रूरत नहीं है, इसको चाहे आप ना भी यहाँ पर लिखें तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी इतनी। ओके, इसको मैंने रिमूव कर दिया, क्लियर। इसको रिमूव करके भी अगर हम देखें तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक चलेगा। ये देखें मैं आपको F5 के साथ करता हूँ, ये देखें ये अभी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों बस इतना ही आपने करना था। उसके बाद जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अलर्ट बॉक्स के साथ आपका नाम नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं F5 के साथ रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखिए पहले आप VU ID दो अपनी, फॉर एग्जाम्पल आपकी कुछ भी VU ID है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड दिया और यहाँ पे क्लिक हाउ टू व्यू और ये देखें ये ऊपर आपका नाम ये अलर्ट बॉक्स आ गया, स्टूडेंट नेम खिजर शाह टेक्निकल, ओके किया और ये डाटा सबमिट हो गया, क्लियर। ये दोस्तों इतनी सी असाइनमेंट थी जो फुल एंड फ्लैज मैंने तैयार कर दी। और यहाँ पे जो कलर दिए हुए हैं ये कलर सर ने वहाँ पे लिखा भी हुआ है बकायदा कि ये आपकी मर्जी, आप जो से मर्जी कलर दे सकते हो। जो बेसिक चीज़ें थी वो ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कहाँ गया ये देखो, यू कैन यूज कलर्स ऑफ योर ऑन च्वाइस, कि तुम्हारी च्वाइस पर डिपेंड करता है तुम जो से मर्जी कलर यूज़ कर दो, क्लियर। ओके, देन ये हमने सारी असाइनमेंट स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी मैंने दी है, चेंजिंग भी बता दी है कहाँ कहाँ हमने चेंजिंग करनी है। ये तीन जो चेंजिंग आपको बताई है तीन चेंजिंग आपने मस्ट करनी ही करनी है, अगर ये तीन चेंजिंग नहीं करेंगे तो आपकी सॉल्यूशन फाइल के आपको मार्क्स डिटेक्ट होंगे, ये पहले बता रहा हूँ। और .html के अंदर आपने फाइल सबमिट करवानी है, ओके, अपनी व्यू अपनी .html की फाइल का जो नाम है वो अपनी VU ID के साथ रीनेम कर लेना, क्लियर। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइज टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।